वेलिंग गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आईसीआई बैंक के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन के थ्रू ओपन कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया चीज है यार, इसके अंदर आपको सारी बेसिक डिटेल फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि होगा आपका डेबिट कार्ड, आपकी पासबुक, चेकबुक, यहाँ तक कि आप भीम यूपीआई को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आईसीआई बैंक के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो जो अकाउंट आप ओपन करेंगे उसका नाम है माइंड सेविंग अकाउंट। आप लाइन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप इनकी डिटेल एंड कंडीशन भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि बात की जाए एज क्राइटेरिया की, आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इफ इनके 18 से कम है या फिर 35 से ज्यादा है तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इन सब के अलावा आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 50,000 का एयर एक्सीडेंट और 50,000 का परचेज प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। एंड द स्पेशल थिंग, यहाँ पे आपको कार्डलेस फैसिलिटी मिलेगी, यानी बिना कार्ड के आपके पैसे विड्रॉल कर सकते हो। डेबिट कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो तरह के कार्ड देखने को मिलेंगे, एक रेगुलर और दूसरा प्रीमियम। रेगुलर का फायदा यार ये है कि यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देनी, आप कस्टमाइज नहीं कर सकते और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और ना ही आपको इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वही बात की जाए तो इसका प्रीमियम कार्ड की, तो यहाँ पे आपको कम से कम 600 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस लगेगी और इसका कस्टमाइज आप कर सकते हो, यानी कि अपनी मन की पसंदीदा फोटो आपके कार्ड के ऊपर लगा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे 1% का कैशबैक दिखेगा इनके सिलेक्टिव स्टोर पे। सिलेक्टिव स्टोर है कौन से, यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाती है और यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा भी हुआ है कि जैसे कि आप सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर लेते हो तो जो इनका रेगुलर वाला मिनिमम कार्ड है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपके घर पे 7 दिनों के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। इन सब के अलावा जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे इंस्टेंटली आपको एक वर्चुअल कार्ड भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसे आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर साथ के साथ यूज भी कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप इसी फॉर्म पर वापस आ जाएंगे जहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है। ध्यान देना, जो आप मोबाइल नंबर भर रहे हो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एक ओटीपी आपके ईमेल और फोन पे आएगा, वो भर देना है। कंटिन्यू करूंगे और यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर भरना है। प्रोसीड करूंगे और आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आएगा, वो भर देना है। देन कंटिन्यू और यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका हाउसवाइफ और स्टूडेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड सही बेहतर है तो मैं यहाँ पे ये चूज करूंगा। फिर आपको चूज करना है आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इफ इनकेस आपको यहाँ पे सिलेक्टेड में कोई है नहीं तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने क्या पढ़ाई वगैरह करी है। फिर आते हैं आपकी एनुअल इनकम, यानी एक साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हो, ये भरोंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा जो आपका जो डेबिट कार्ड बन के आएगा उसके ऊपर क्या नाम प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका क्या नाम होना चाहिए, नहीं तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। इन सब के अलावा आप यहाँ पे आपका नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो, नीचे की तरफ आपको बस उसकी डिटेल देनी है। इफ इनकेस नहीं करना चाहते यहाँ पे आप क्लिक करोगे नो आई डोंट पे क्लिक कर दोगे, पर बात क्या है अगर आप करना चाहते हो नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप फादर को या फिर मदर को एज ए नॉमिनी चूज कर सकते हो, बस उनकी डिटेल भरनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस, ध्यान देना आपने यहाँ पे ये एड्रेस करना है जहाँ पे आप अभी रहते हो और यहीं पे आपका जो डेबिट कार्ड है वहीं पे भेजा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भर लेते हैं जैसे कि सारा कुछ हो गया। और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है एक चीज कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो टैक्स वगैरह पे करते हो इंडिया में पे करते हो या फिर इंटरनेशनली भी किसी और कंट्री में पे करते हो। इफ इन केस आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पे करते हो तो आपको यस करना है, अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री फॉरेन कंट्री में भी टैक्स पे करते हो तो यहाँ पे नो चूज कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे, ऐसा सब करने के बाद आपकी सारी की सारी पूरी डिटेल जो कि आपने भरी थी यहाँ पे आ चुकी है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह दिक्कत होती है ऊपर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके आप बढ़िया से एडिट कर सकते हो, लेकिन अपने इसमें सारा कुछ सही वगैरह है तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ एग्री टर्म एंड कंडीशन कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐसा होने के बाद एक ओटीपी आपके ईमेल और फोन पे आएगा, भर देना है और कंटिन्यू करना है। अब देखो यार अपना अकाउंट यहाँ तक बन चुका, बस आपने फुल केवाईसी नहीं करी, आपने सेमी केवाईसी करी है। अगर आप फुल केवाईसी करना चाहते हो तो उनका वीडियो कॉल वाला पोर्टल खुल जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दिखा रहा है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है स्टेबल होना चाहिए, यानी कि सही रेंज आनी चाहिए, काफ़ी लो वगैरह नहीं होनी चाहिए रेंज, ठीक है। और जो नंबर 2 चीज़ है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इन सब के अलावा एक पेन होना चाहिए और एक ब्लैंक वाइट पेपर होना चाहिए, यानी कि एक पेपर जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो। इसके अलावा एक चौथी चीज़ और कि जो आपका कैमरा है, माइक्रोफोन है और लोकेशन की सेटिंग है, ये सारी
सारी इनेबल होनी चाहिए। तो जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एजेंट के पास अपनी कॉल लगनी शुरू हो जाएगी। तो ऊपर टाइमर चल रहा है, जैसे ही टाइमर ओवर होगा अपने एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि अपनी वीडियो कॉल के दौरान अपनी KYC कंप्लीट कर देगा। इफ़ इन केस अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, और जैसे ही दोबारा वगैरह करना चाहते हो जब भी आप सही लोकेशन में बैठे हो तो बस आपको आ जाना वही उसी पेज पर, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ऊपर ट्रैक के ऑप्शन पर जाऊँगे और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है, OTP भरूंगी, तो फिर से आप उसी रिट्रैक्ट पेज पर हो जाएंगे वीडियो कॉल वाले पे जहाँ पे आपने छोड़ा था। इन सब के अलावा आपके मन में ख्याल आ सकता है अगर आप वीडियो कॉल ना करें कि अपना ये अकाउंट खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। तो यार मैंने अब तक वीडियो कॉल नहीं करी, तो वापस से मैं मेरे ईमेल वाले ऑप्शन में जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ICICI बैंक की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है और जहाँ पे मेरा दिखा रहा है मेरा अकाउंट नंबर जनरेट होकर आ चुका, यानी देखो अकाउंट ओपन हो गया बस सेमी KYC के साथ भी। लेकिन जैसे मैं फुल KYC करूंगा मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा एक छोटी चीज और, जैसा कि इन्होंने ईमेल भेजा था यहाँ पे एक लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप वही उसी रिट्रैक्ट पेज पे हो जाओगे और ईमेल आईडी वगैरह भर के आप फिर से आपकी वीडियो कॉल वाला प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। एक छोटी सी चीज और, जैसा कि इन्होंने ईमेल तो भेजा था, इससे पहले एक और ईमेल भेजा था ICICI बैंक की तरफ से कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इस ईमेल का यह फायदा यह है कि इसकी मदद से आप आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड नेट बैंकिंग के लिए जनरेट कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे इधर लिंक पे जाओगे, आई वॉन्ट यूजर आईडी पासवर्ड के ऑप्शन जाती हूँ, आपका अकाउंट नंबर भरना है जो कि आपको ईमेल में रिसीव हुआ था वही कॉपी पेस्ट, गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगी, आपका मोबाइल नंबर भरना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था गो करूंगी। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल वगैरह मांग रहे हैं, तो जैसे कि डेबिट कार्ड जो कि आपने अप्लाई करा था सक्सेसफुली अपने घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट, तो वहाँ पे उसके पीछे बैक साइड में कुछ अल्फाबेट्स दिए होंगे। तो बस आपको ये पूछ रहा है कि एफ जो अल्फाबेट है उसके नीचे क्या लिख रखा है, उसके नीचे क्या लिख रहा है, उसके नीचे क्या है। आप जैसे ही भरोगे तो आपका एक OTP आएगा, वो वेरीफाई करने के बाद आपके पास यूजर आईडी जनरेट हो जाएगी। बस यूजर आईडी आ गई, फिर से उसी स्टेप पे जाएंगे, इस बार पासवर्ड के लिए करेंगे, आप यूजर आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर पे OTP वगैरह भरोगे जिसकी मदद से आपका पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा एंड बढ़िया सेंस से आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हो। आई होप देख के काफी अमेजिंग लगा होगा किस तरह से आप ICICI बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। ऐसी और वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए बाय।